अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू तवा पीर सेंकेज व्लॉग। तवा पीर सेंकेज में आप सब लोग का वेलकम है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या सूरत हाल है। क्या हाल है यार, कुछ हाल तो बताओ अपना। देखो जी, ये तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी जगह गंदगी भर गई है। देखो गंदगी के, देखो चाहे इर्द गिर्द गिरने की, देखो हालांकि में ये देखो जी, यहाँ पर वो, यहाँ पर ये देखो गंदगी। देखो आज हम इसको साफ़ कर देंगे और इनके केजेस को साफ़ करते हैं आज, क्योंकि काफ़ी गंदगी है। अंदर भी देखिए, अंदर जा आपको गंदगी दिखाते हैं। खुल जा सिम सिम। तो अंदर देखो जी, गंदगी को देखो, काफ़ी गंदगी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा। आपको मैं क्या बताऊँ। हाय हाय हाय, तुम लोग बच्चे कब दोगे यार? तुम लोग का तो यही वही का सिस्टम है कि इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। अभी तक बच्चे भी नहीं दे रहे, क्या मसला है यार? ये बच्चे क्यों नहीं दे रहे? जब मैं बर्ड लेके आता हूँ, पहले तो डब को लेके आया तो उसने बच्चे दिए, लेकिन अब ये चीज़ भी लेके आए हैं, इसने भी कोई बच्चे नहीं दिए, इसने भी कोई एक ने भी बच्चा नहीं दिया। फिंच को भी काफ़ी दिन से पाल रहा हूँ और अभी तक बच्चा नहीं दिया। और ये क्या वे हैं, ये क्या किया हुआ है इन लोगों ने? इन लोगों को तो पूरा बत्तरबंद बना दिया इसको। वो क्या बोलते हो, वो जो बत्तरबंद गाड़ी नहीं होती, हम उसको बत्तरबंद बोलते हैं। हाँ, उन लोगों ने तो उसको ये बना दिया। ये क्या करे, डब्बे ऐसे ही रह गए और बाकी जो है वो तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने नेस्टिंग मटेरियल सब कुछ जो है यहाँ पर ही लगा दिया और डब्बे खाली के खाली ही रह गए। मेरे ख्याल से डब्बे में बच्चे नहीं देते, क्योंकि टुकड़े देखे हुए उन लोगों ने और टुकड़ों में इन लोगों ने ये क्या किया हुआ है आपको दिखा देते हैं। ये देखो जी, सारा बंद किया हुआ है, इसको भी अभी बंद करने जा रहे हैं। ये देखो, इसके ऊपर वो शर्ट ऐसे आ रहे हैं, अभी ये भी बंद कर देंगे। पता नहीं यार इन लोग क्या कर रहे हैं यार ये लोग। और बल्ब मेरे ख्याल से गर्मी काफ़ी अंदर ज़्यादा थी और बल्ब मैंने लगाया हुआ है। ये देखो जो अंदर लगाया हुआ है बल्ब, तो मेरे ख्याल से यार ये कैमरे को क्या हो रहा है यार, बार बार क्या मसला है यार तुम्हारा। तो ये देखो जी, अंदर देख लेते हैं क्या मुसीबत बन गई है अंदर। इन लोगों ने ये क्या किया हुआ है, ये देखो ये बंद किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ रास्ता है, यहाँ पर इस जगह पर, और का इर्द गिर्द जितनी भी हैं वो बंद किए हुए, जो जितने नेस्टिंग मटेरियल है इसमें बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से अंडे ही दे रहे होंगे, क्योंकि आज यार जुमेरात का दिन है और लेट उठ गया। ये देखो काफ़ी धूप है, तो मैं जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। अभी उठा हूँ और ऊपर आ गया, तो मैंने कहा चलो देखते टाइम क्या हुआ। तो टाइम देख लिया तो वो टाइम चला गया मुझसे, मैंने कहा जो टाइम था वो मुझसे चला गया है। वो मेरे ख्याल से 7:30 से लेकर 11, 11:30-12 बजे तक होता है। अभी है क्या टाइम है अभी, मेरे ख्याल से वही बस 10:30-11 बजे हैं। और अभी ऊपर आया हूँ, अब इनको खुराक डालना पड़ेगा, क्योंकि खुराक ख़त्म किया हुआ है इन लोगों ने। और इनको तो ठीक है खुराक, और इनका देखते हैं, इनका भी ठीक है खुराक, और इनका देखते हैं, इनका भी ठीक है थोड़ा बहुत, इनका भी ठीक है थोड़ा बहुत है, सही है। और कबूतर को देखते हैं, कबूतर को खुराक है कि नहीं है। हाँ खान साहब, क्या हाल है? हाँ खुराक नहीं है इनको, खुराक ख़त्म किया हुआ है। देखो तो इनको खुराक डाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, क्यों मिलेंगे यार। तो ये हो गया, अब इनको खुराक डाल लेते हैं। और काफ़ी धूप है ये देखो, और ठंड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंड है और गर्मी है। बस छाँव में हो तो ठीक है, धूप में हो तो गर्मी है। मैं क्या बताऊँ यार, उल्टा पुल्टा सिस्टम है। इधर हो जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इधर हो जाओ तो ठंड है। पता नहीं ये कौन सा मौसम है, ये इस मौसम का कुछ पता नहीं है। तो ये जगह साफ़ कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो जगह साफ़ हो गई और काफ़ी यार गंदगी थी। ये देखो यहाँ से भी गंदगी वहाँ पर जो पड़ी थी वो भी हटा दी, अंदर केज भी साफ़ कर लिया। ये देखो काफ़ी गंदगी थी यार, मैं क्या बताऊँ, काफ़ी गंदगी थी, वो मैंने हटा दी। और बस कुछ कचरा मचरा था यहाँ पर भी, था आपने देखा था, यहाँ से भी हटा लिया। सिर्फ ये अंदर ये केज रहता है, लेकिन ये
आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे क्योंकि साफ है थोड़ा थोड़ा, और ये भी गंदा है इसको भी साफ कर लेंगे। इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देंगे फिर साफ कर देंगे ताकि वो पर, और ये भी गंदा है ये मुझसे भूल गया, तो ऐसे करते हैं इसको रहने देते हैं। इसमें सिर्फ ये नेस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से गंदा दिख रहा है, और इन लोगों ने कुछ गंदगी की है वो उनकी वजह से गंदा दिख रहा है, तो इसको भी साफ कर लेंगे। बाकी बिल्कुल साफ हो गया, ये देखो आपको दूर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी क्यूट लग रहा है, साफ कर लिया। और मैंने इसके लिए ये ख़रीदा है यार, क्यों बार बार जितना पड़ता है, ऐसे बस पकड़ लो इसको और ऐसे ऐसे साफ कर लो, हो जाता है यार, इतना टाइम नहीं लगता। तो हम इसको रख देते हैं, मैंने रख दिया वहाँ पर, और अब ये जगह रहता है इस जगह को भी साफ़ करेंगे, इसको ये हटा देंगे यहाँ से, और ये मिट्टी यहाँ पर पड़े रहने देते हैं, और ये भी साफ़ कर लेंगे। इसमें हम केज बनाएंगे इसके ऊपर केज बना देंगे, रख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा यार, कोई मसला नहीं है। और ये अंदर जगह सेफ़ है, बारिश भी से भी सेफ़ है, वहाँ पर ऐसे काम करेंगे कि बारिश से भी सेफ़ रहे, और कबूतरों के लिए वहाँ पर जगह बनाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मेरा इरादा है कि मैं कबूतरों के लिए जगह बनाऊँ, यहाँ पर इस जगह पर कबूतरों के लिए जगह बनाएंगे, ये देंगे कबूतर जो इसके लिए जगह, अंदर उड़ेंगे भी और बच्चे भी देंगे, सब कुछ करेंगे, ये जगह इनके लिए काफ़ी है। और जी ये मैंने बनाया हुआ है, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको बिल्कुल हटा देंगे क्योंकि इससे मिट्टी नीचे गिरती है तो फिर वो ऐसे मिट्टी बन जाती है, देखो जो ये है, फिर ये देखो ये बन जाता है और काफ़ी परेशान करता है फिर यार। तो जगह तो काफ़ी ठीक हो गई, इसको खुराक है कि नहीं है, चलो इसको भी खुराक डाल लेते हैं फिर देखते हैं। तो दोस्तों मैं ऊपर आ गया और धूप भी काफ़ी चली गई है, ये देखो जी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, बहुत फीलिंग बहुत यार, क्या मौसम है वहाँ पर, देखो जी इधर देखो यार, बहुत अच्छा मौसम है यार स्वाद का। और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, देखते हैं। अभी दोबारा ऊपर आया, ये क्या किया हुआ है, ये क्या गिराया इन लोगों ने, ये है क्या चीज़, और गिराया क्या है, और क्या किया हुआ है इन लोगों ने यार, ये किधर था और गिराया किधर से, किसी ने मारा है गिराया है क्या किया है यार इसको। तीतर यहाँ पर बैठा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है, ये देखो इसको, अरे इसको ठंड लग रही है कि क्या हुआ है इसको यार, ये तो उदास उदास सा बैठा हुआ है, इधर उधर जाता है और बहुत उदास लग रहा है यार ये तो। यार इसके लिए ना फीमेल का बंदोबस्त करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी अकेला है और इधर उधर चरता फिरता है, और मेरे ख्याल से हैं यार इसका टांग का मसला भी है। एक बात अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो इसका टांग का बहुत मसला है, इसका ये लंगड़ा है, लंगड़ा बोलते हैं इसको, ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ लंगड़ा बोलते हैं, ये लंगड़ा है यार, इसका पता नहीं क्या करें यार। अभी तो मेरे ख्याल से ये ठीक हो गया होगा, देखते हैं। ये तो लंगड़ा था पहले, अगर आप यूट्यूब में देख सकते थे पहले, ये लंगड़ा था, इसका पैर जो था ये ख़राब था, अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखना है अभी, ये देखो कैसे चलता है, ये लंगड़ा था पहले, जब मैंने इसको लेके आया, इस लंगड़ीपन की वजह से मैंने इसे ख़रीदा, तो भाई ने कहा यार मैं इसके इतने पैसे, तो मैंने उसको कहा कि यार मैं तुम्हें इतने पैसे इसके नहीं दे सकते क्योंकि ये लंगड़ा भी है और आवाज़ भी सही से नहीं निकलता, ये आवाज़ करता है लेकिन सुबह के टाइम और अभी इस टाइम करता है, अभी मैं ऊपर इसलिए आया, ये आवाज़ें कर रहा था, मैंने कहा चलो वीडियो कर लेते हैं, ये आवाज़ें कर रहा है, लेकिन जैसे मैं आया इधर तो इसने आवाज़ बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और आवाज़ भी नहीं की इसने, मैंने कहा यार मेरे आने से पहले इसने आवाज़ ही बंद किया हुआ है। देखते हैं डॉग कैसे है, जिसका पैर कटा हुआ था, इन लोगों ने तो बहुत, ये देखो कैसा बंद किया हुआ है इन लोगों ने, ये जगह इर्द गिर्द बहुत बंद किया हुआ है इन लोगों ने, देखते हैं। ये तो ठीक है, और ये लंगड़ा वहाँ पर बैठा हुआ है, आपको मैंने बताया था ये लंगड़ा है, आपको दिखा देता हूँ, अगर ये इधर उधर हो जाए, ये देखो एक पैर से खड़ा हुआ है तो सही से खड़ा भी नहीं हो रहा, हिल रहा है, आपको ये दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर जो बैठा हुआ है, ये दोनों पैर है इसके, इसका एक पैर नहीं है, आपको मैंने बताया था, वो वीडियो में भी दिखाया था कि इसका जो एक पैर है वो बिल्ली ने खाया था, इसका एक पैर जो है वो आपको मैंने बताया कि बिल्ली ने खाया था, और बहुत यार
अभी जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरा दिल ये करता है यार इसको कि या तो ज़बह कर दूँ, इसको तकलीफ होगी, खा लूँ ज़बह करके खा लूँ। अगर प्लीज़ मुझे बता देना ये कोई खा सकता है कि नहीं, अगर कोई खा सकता है तो प्लीज़ बता देना ये हलाल है, वो क्या बोलते हैं हलाल, हाँ ये हलाल है कि हराम है क्या है, मुझे प्लीज़ बता देना। काफ़ी वो दोस्त कह रहे थे कि ये हम तो पुश्तों में इसको सराने कोतरी कहते हैं, सराने कोतरी, तो इसको उर्दू में पता नहीं, डॉफ तो इंग्लिश में कहते हैं, पता नहीं इसमें उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, कुछ पता नहीं है मुझे, डॉफ बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं। तो कोई कुछ भाई कह रहे कि ये हलाल है और वो जो है वो नहीं खा सकते। ये कबूतर आपको दिखा दूँ, ये जंगली कबूतर जो है आप इसको नहीं खा सकते क्योंकि ये हराम है, और वो जो है वो हलाल है। और डायमंड डव का मुझे कुछ पता नहीं है, अगर आप दोस्तों को पता है कि डायमंड डव हलाल है या हराम है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बता देना, और जल्द से जल्द जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आपको नई नई वीडियो पहुंच सके, और ताकि मैं जल्द से मोनेटाइज हो जाऊं, आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। और कल आज इजाज़त दीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह कल, खुदा हाफिज़। पता नहीं मैं उर्दू कब ठीक होगी मेरी।